हेलो गाइस, स्वागत है आपका मारुस से फाइट की एक और वीडियो में। और ये डे टू है अलायंस बैटल वाली, अलायंस बैटल की हमारी सीरीज का। और आज है डे टू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड टू या डे टू, ठीक है। आज पहला एक्सट्रीम मोड जो कि है, जिसमें कोई भी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नो रिक्वायरमेंट्स की है, जिसमें हम सब अपनी सबसे बेस्ट टीम लेंगे। तो मुझे लगता है मेरी सबसे बेस्ट टीम ये बार, ठीक है। इस तरह बता देता हूँ, आज साइलेंस का डे है। तो साइलेंस तो था नहीं निक फ्यूरी के पास। कल आपको पता ही है, मैंने जब इसको लिया था तो मैंने इस पर साइलेंस लगाया था निक फ्यूरी के लिए। साइलेंस ने स्ट्रक्चर लगाया था, शायद स्नेयर लगाया था, आई डोंट नो। पर आज साइलेंस ही, और साइलेंस है सेंट्री के पास। सेंट्री के फोर्स के लिए यूज होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास साइलेंस है, और ये मुझे 7 लेवल की वो भी देता है टीयर 4 पावर, और साइलेंस भी देता ही है, और ऊपर से फोर्स के लिए जो कि काफी पावरफुल है सेंट्री की। तो इसलिए ये बेस्ट रहेगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं अलायंस बैटल एक्सट्रीम के साथ, और देखते हैं कि नो रिक्वायरमेंट डे पे लूना स्नो कितना है। क्योंकि नो रिक्वायरमेंट डे है तो आपका सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको यूज़ करना है नॉर्मली फुल सपोर्ट, ठीक है। तो मैं भी फुल सपोर्ट के साथ इसको यूज़ कर दिया हूँ लूना। मुझे लगता है मेरी सबसे बेस्ट लूना जो कि है भी, मतलब लूना स्नो पी वी के लिए बहुत बेस्ट है। ऊपर से मेरे पास इसको हमने रेट भी दे रखा है, कमाल हो गई। देख रहे हो ना, एक ही टीयर थ्री में 16-17-18-20 लाख पहुँच चुका हूँ। चलो ध्यान रखना, सिर्फ जो अपनी टीयर 4 स्किल का वो है सेंट्री, उसके पास पावर है साइलेंस करने की। तो जब वो टाइम आ जाए ना 2:08 का, 2:08 का, सब सेंट्री रेडी होना चाहिए। अगर सेंट्री रेडी नहीं हुआ तो उसके हम स्किल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 15 हो गया है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे और सेंट्री को यूज नहीं करें, ठीक है। एंड बूम, बहुत बढ़िया शील्ड आई, हमने सेंट्री को यूज़ किया और जो देगी, ठीक है। तो नॉर्मली यूज़ करना है, फटाफट से लगे रहो। ओके, हम 7 पे पहुँच भी गए, 70 लाख का आई मीन, ठीक है। ये सबसे मिनिमम रिवॉर्ड है, यहाँ तक तो आपको कैसे भी पहुँचना ही है। अगर आप यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो तो सही नहीं है। यहाँ पे सारे रिवॉर्ड रहते हैं जो कि आपको रोज़ जरूरत पड़ेगी, वैसे रिवॉर्ड इन रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती रहती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही नीड वाले रिवॉर्ड, जरूरत है इन रिवॉर्ड। इसके बाद जो भी रिवॉर्ड है ना, वो थोड़े हाई फाई हैं, मतलब वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। पर अब मुझे 50% से चाहिए यार, 50% पे ही हूँ मैं, और एक मिनट 20 सेकेंड का आएगा। ओके, सेंट्री रेडी है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। और ये शील्ड आई, मैंने सेंट्री चला दिया पहले ही, और चलेगी बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। ये सेंट्री यूज़ कर लो, आपको 35 सेकेंड पाएगी आखिरी। चलाएंगे हम, मुझे लगता था कि ये मेरी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, तो काफ़ी डैमेज करेगी। सर इतना डैमेज कर नहीं रही अब, जबकि सेकंड शीट टूटती है ना, उसके बाद इतना इनका डैमेज कम हो जाता है। चाहे आप शीट तोड़ लो, तभी इनका ना डिफेंस एक बार थोड़ा बढ़ जरूर जाता है। चलो जो भी हो, 5 सेकेंड तक तो सेंटर यूज़ नहीं करेंगे। 35 सेकेंड पर वैसे भी प्लीज़ अपनी शील्ड को चलाएगा। ये लिया है शील्ड, ठीक है। और ये मैंने सेंटर चला दिया, शील्ड टूट गई। टीएससी फुल ऑन स्किल्स, फुल ऑन डैमेज के साथ सी 12 पे तो जाऊँ, 12 मिलियन, 1,20,00,000 का जाना बनता ही है। नई यूनिफॉर्म होती तो शायद मैं इतना कर पाता, पर अभी तो मुश्किल लगता है। अभी चलो ठीक है, 12 मिलियन मिल जाए अपने सबसे बेस्ट कैरेक्टर के साथ, वही तो डिफेंस बढ़ता है। अब चाहे मान लो आप चाहे शील्ड तोड़ भी लो, तब भी डिफेंस पड़ता है। शील्ड अगर ना तोड़ो ना, फिर डिफेंस देखना, मतलब आप 1,00,000 पॉइंट नहीं कर पाओगे, कितना खतरनाक इसको शील्ड मिलती है। तो चलो जो भी हो, तो ये था हमारा स्कोर, 1,15,53,000 यही है, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हैं 11 मिलियन, 11 मिलियन ही हुए ना, 11 मिलियन नहीं, 11 मिलियन ही है, और ये हुए 115 मिलियन, है ना, 115 मिलियन हुए। उन्होंने समझ जा रही है, जो भी हुए हो गए, मुझे मिलियन के लिए मैं खेलना नहीं आता, ठीक है। और अब है ब्लास्ट सुपर विलेन मेल डे, जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटे को, और हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये ही कल भी डे था, आपको याद हो तो, बस उल्टा था। सर ये वाला डे तो था एक्सट्रीम के अंदर, और उसका डे था लूना स्नो का, आ गया था डे लेजेंड के अंदर। हाँ जी, ये है लेजेंड में, और लूना स्नो थी
स्ट्रीम में, ठीक है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं इसको, मफिस्टो को। वैसे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं ये कौन है, मैग्नेटो को, पर हमारे मैग्नेटो के पास ना ही तो रेज है, ना ही इसके पास सीजनल यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ना ही ये टीयर फोर हो रखा है, पर हम इसको टीयर फोर करेंगे। लेट्स सी, पहले हम करेंगे मफिस्टो से और फिर हम इसे करेंगे टीयर फोर और फिर देखते हैं कि क्या मफिस्टो से अच्छा स्कोर ये कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स गो फॉर मफिस्टो। मेरे हिसाब से मफिस्टो कितना स्कोर कर देगा? मफिस्टो शायद 2 मिलियन तक कर देगा, आई थिंक 2 मिलियन तक मफिस्टो कर देगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। इतना भी नहीं कर पाएगा तो ठीक है यार। अच्छी बात ये कि अगर आप इसकी शीट को तोड़ते हो ना सर्टर की, तो आपके जो भी कूल डाउन होता है कैरेक्टर के आने वाला, वो कूल डाउन एकदम जीरो होता है। तो ये एक अच्छी बात है सर्टर की शीट। ऐसी शीट की पावर तो 20 के साथ लाइफ बैटर एक्सपी का 20 का, उसके साथ ये पावर नहीं मिलती, ये सिर्फ सर्टर के साथ ही मिलती है, अच्छी बात है। ये हमने इसको लिया, तो काफ़ी डैमेज हुआ होगा यार, ये गन गया, इतने सारे पॉइंट गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मेरे को 1 मिलियन अब हो गया, 2 मिलियन शायद मैं कर पाऊँगा, पर चांसेस कम ही लगे 2 मिलियन के होना चाहिए। पहले तो ये ब्लॉक लो, यहाँ से दूर भागो, डैमेज करने का जरूरत रहेगी, ठीक है। यहाँ से दूर जाओ ओके, यहाँ से फटाफट ओके बीच में चला गया, ठीक है ना। हमने TLC रेडी कर लिया, मैं देखा था 13 सेकंड में ये मैंने अपनी स्क्रीन चले और मशीन को 11 सेकंड से 0 किलोवाट पे आ गया। तो ये ही स्क्रीन खास सर्टर की जवाब स्क्रीन को देखो, तो आपको कूल डाउन खत्म हो जाता है आपके कैरेक्टर के वापस मैदान में आने। मुझे वो देखिए रात ब्लॉक लास्ट ब्लॉक मैं 200 भी नहीं कर पाऊँगा, 1500 पर नहीं पड़ पा एल पॉइंट के लिए, तो मैं 2.5 मिलियन से 2 मिलियन के तो डाले पड़ रहे हैं। तो इससे तो पता लगता है कि मफिस्टो, मुझे नहीं लगता कि मफिस्टो अच्छा करेक्टर है, पर सबसे अच्छा करेक्टर है यही अपने पास, यही कर लेगा। 2 मिलियन कर लूँगा तो मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, इसके लिए यार मज़ा नहीं। ठीक है 2 मिलियन से थोड़ा सी चूक गए, तो कोई बात नहीं, स्टिल अच्छा खेला मफिस्टो। तो ये इस थे अपने फ्री टू प्ले होने के बावजूद आपको डे 2 में कौन से कैरेक्टर यूज़ करने और कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉइंट्स का, ठीक है। मेरे पास 22 पीयर्स है, तो अगर आपका उससे कम पीयर्स है तो कम मान लो, और अगर ज़्यादा पीयर्स है तो उससे थोड़ा पॉइंट्स ज़्यादा मान लो। पर इतना बात ध्यान रखना 10% पीयर्स के बाद पॉइंट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पर हाँ 0 से 10% तक पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस आता है। जैसे ही आप 10% पे पहुंच जाते हो, उसके बाद मेरा स्कोर और 22 पीयर्स के स्कोर में आपको ज़्यादा तक दिखेगा। जैसे कि मैंने अलायंस बैटल एक्सट्रीम में कितना 1 मिलियन किया था, 11 मिलियन कर लिया था ना, 11.8 to 12 मिलियन तक पहुँच नहीं पाया था। अगर आपके पास 10% पीयर्स होगा ना, तो भी आप 10 या 9 मिलियन तक पहुँच जाओगे, सिर्फ 1 मिलियन का अंतर है, देख रहे हो। जबकि ये बहुत अजीब बात है, जबकि अगर आपके पास 0% होगा, 0% पीयर्स होगा ना, तो आप बहुत मुश्किल से 4 या 5 मिलियन पहुँचोगे। जैसे आप 1% बढ़ाते जाओगे है ना, 2%, 6%, जैसे जैसे आप 2% 3% बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका मिलियन का बढ़ता जाएगा, 4 का 6 मिलियन हो जाएगा, फिर 8 मिलियन हो जाएगा, 9 मिलियन हो जाएगा, फिर 10 मिलियन हो जाएगा। लेकिन 10% से आप जैसे 15% 16% करोगे ना, 10 मिलियन से 10.5 मिलियन 11 मिलियन यही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ता, यही पॉइंट है। तो ये भी एक बात ध्यान रखना पीयर्स की। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय।